संदीप नंदी को विधायक बनाने का नहीं है, ये बंगाल के आने वाले समय में बंगाल की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है, ये हमको समझना चाहिए। बंगाल की जनता त्रस्त है, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, ये जो छतों से खिड़कियों से छच्चों से आपके रोड शो को अभिनंदन कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ममता जी के टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, कट मनी कल्चर, सिंडिकेट राज, बालू चोरी, कोयला चोरी, चावल चोरी, इन सब को नमस्कार कहने का और फू तोड़ जवाब देने का यहां की जनता ने मन बनाया है। मित्रों, पिछले 10 सालों में जो युवाओं के अनदेखी हुई है, जो अर्थ के दृष्टि से बंगाल को विकास के बजाय पीछे खींचने का काम हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और जिस तरीके से प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इन सब के खिलाफ बंगाल की जनता आज सड़कों पर आकर बंगाल में कमल को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मैं उनको आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ। पीसी और भाईपो के सरकार को लोगों ने नमस्कार कहने का तय कर दिया, विदाई नमस्कार करने का तय कर लिया। आप बताइए, ममता जी कहती है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की दीदी हूँ, क्या बंगाल की शोभा मजुमदार माँ नहीं थी क्या? उसके बारे में क्यों नहीं चिंता हुई?
क्या किया टीएमसी के गुंडों ने? सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं में, महिलाओं का हुआ है तो ममता जी के राज में 10 सालों में हुआ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा, एसिड अटैक सबसे ज्यादा, रेप केस सबसे ज्यादा। बोलो, ऐसा बंगाल देखना चाहते हो क्या? ऐसा बंगाल देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते हो तो कमल खिलाना होगा और 200 पार पहुंचाना होगा। इसके लिए हमको मित्रों, चाल चोर के त्रिपाल चोर के देखो, मैंने नहीं बोला है, ये आप लोगों ने बोला है, ये बंगाल की जनता ने। हमने तो आपसे पूछा है, जवाब तो बंगाल की जनता दे रही है। मित्रों, ऐसी सरकार को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और बीजेपी की सरकार लानी है कि नहीं लानी है? लानी है कि नहीं लानी है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं देना है? महिलाओं को सम्मान देना है कि नहीं देना है? विकास करना है कि नहीं करना है? यहाँ पर फैक्ट्रियां लगे इसका आयोजन करना है कि नहीं करना है? यहाँ सड़कें अच्छी बने इसके आयोजन करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो कमल खिलाना है, राधाकांत को विधानसभा में भेजना है, संदीप नंदी को भेजना है। बोलो, करोगे ना? करोगे ना? मैं अहलूवालिया जी को बता रहा हूँ, आप दोनों सीटें जिताएंगे, यहाँ बर्दवान में सभी सीटों को जिताएंगे। मैं फिर से आऊंगा और आपका धन्यवाद करूंगा, ये आपको विश्वास। हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते हैं और हम किसी को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने देते भी नहीं।